हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आप सबका स्वागत है। आज मेरी स्पेशल रेसिपी है सर्दियों में मटर की कचौड़ी। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत झटपट तैयार हो जाएंगी कचौड़ियाँ। इसके लिए ना मैंने दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसमें एक कटोरी मैंने मैदा मिक्स किया है और उसमें आधी कटोरी मैंने सूजी यानी कि रवा मिक्स किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों को मिक्स करके बनाया। यहाँ मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है और यहाँ डाला है 2 चम्मच भर के बड़े घी, जो हमारी कचौड़ी को और एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसका आटा तैयार कर लेंगे। आटा सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि मटर हमें फिल भी करनी है इसमें। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इधर अपनी मटर तैयार करेंगे कि हमें फिलिंग के लिए कैसी मटर चाहिए। इसमें मैंने जीरा और सौंफ हींग डाल के भून लिया तेल में। अब इसमें मटर डाल देंगे और मटर को हल्का सा भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड करें, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची। इतना ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे ढक के थोड़ी देर, थोड़ा पक गई है तो अब तक ये तैयार हो गई मटर। अब तक हम चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर की मीठी चटनी बनाई है। टमाटर मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिए, थोड़ा सा अदरक 1 इंच लेके उसके बारीक टुकड़े करके उसे तेल में भूंजा, उसी में अपने पिसे हुए टमाटर डाले और डाला उसमें गुड़। ये चटनी ना मैं गुड़ से तैयार करती हूँ और मेरे यहाँ सर्दियों में सबको ये चटनी बहुत पसंद है। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, मीठी और टेस्टी चटनी बनती है। अब हम कचौड़ियाँ अपनी तैयार करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आटा ले लिया, उसकी बड़े बड़ी हम लोई काट लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप लोई बना लीजिए इसकी, और हल्के हाथों से बेलकर इसमें मटर फिल कर देंगे। अब हम अभी जल्दी जल्दी से आप फिल कर लीजिए। कचौड़ियाँ फिल करना तो सबको बहुत अच्छे से आता है, इसी तरह मैंने अपनी सारी कचौड़ियाँ फिल कर ली। ये देखिए, फटाफट से बस हल्के हाथों से इसे बेलना है, बस 2-3 बार बेलन मारने। ज़्यादा बड़ी बनानी नहीं है मुझे, छोटी छोटी रखनी है तो बस इतनी बड़ी। और ये देखिए, बस ये बेलती जा रही फटाफट, फिल करती जा रही हूँ और मेरी सारी कचौड़ियाँ तैयार। अब इसके लिए मैंने ना फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया। मैं रिफाइंड ऑयल कम यूज़ करती हूँ। अब इनमें हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे कचौड़ियाँ और बढ़िया हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ अभी तैयार होती है झटपट और खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप नाश्ते में खाइए या लंच टाइम में खाइए, मटर की कचौड़ियाँ हमेशा बहुत बढ़िया लगती हैं सर्दी में। इसके साथ आप कोई भी चटनी बनाइए, खट्टी मीठी कोई भी, आपको कचौड़ी सबके साथ ही अच्छी लगेंगी। बाकी आपको जो पसंद हो आप वो चटनी बनाइए। इसी तरह मैंने अपनी सारी कचौड़ियाँ फिल करी और फ्राई कर ली हैं। सारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, इन्हें हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से इन्हें प्लेट पर लगाइए और साथ की चटनी रखिए और बढ़िया कचौड़ियाँ आपकी तैयार हैं। आप इसे जैसे इंजॉय करना चाहते वैसे इंजॉय कीजिए, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कचौड़ी कैसी लगी। ये देखिए, फीलिंग बहुत बढ़िया आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।